फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 10 यूपी बोर्ड सप्लीमेंट्री रीडर का एक लेसन जिसका नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। इन्वेंटर का अर्थ होता है आविष्कारक और प्रॉमिस का अर्थ है वादा। तो एक आविष्कारक जिसने अपना वादा पूरा किया, तो यह आविष्कारक कौन है और इसने कौन सा वादा किया था जो पूरा किया गया, यह आप इस लेसन में जानेंगे। एडिसन के बारे में आपने जरूर सुना होगा कि यह एक महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने ऐसी बहुत सी खोजें की, बहुत से ऐसे आविष्कार किए जिसके लिए हम उनके आभारी हैं, और उनका जीवन भी बहुत दिलचस्प रहा है, विशेषकर उनका बचपन और संघर्ष काल बेहद ही दिलचस्प रहा है, जो आप इस लेसन में जानेंगे। इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। When you want to read at night, you simply press a switch and the electric lamp gives you light. When you want to read at night, जब तुम रात में पढ़ना चाहते हो, यू सिंपली प्रेस ए स्विच एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट। तब तुम बहुत ही आराम से एक स्विच को ऑन करते हो और बिजली का लैम्प तुम्हें प्रकाश देता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प? क्या तुम जानते हो कि यह बिजली का लैंप, इस बिजली के लैंप का आविष्कार किसने किया था? ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन। वह एक अमेरिकन थे जिनका नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। इवन इन द चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। बचपन में एडिसन को प्रयोग करने का शौक था। He was fond of asking questions and he was never satisfied till he got the right answer. वह प्रश्न पूछने का शौक रखते थे, जिज्ञासाएं उनके मन में रहती थी और वह प्रश्न पूछा करते थे, और जब तक कि उन्हें सही जवाब नहीं मिल जाता था वे संतुष्ट नहीं होते थे। प्रश्न तमाम तरह के हमारे आपके मन में भी आते हैं, प्रायः हम अपने प्रश्नों का जवाब दूसरों से पूछते हैं या खुद से पूछते हैं, और सही जवाब न मिलने पे भी हम उस प्रश्न को प्रायः भूल जाते हैं। लेकिन एडिसन उनमें से नहीं थे। जब तक जवाब से वे संतुष्ट नहीं होते थे, प्रश्न पूछा करते थे। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड। उनके बचपन के बारे में बहुत सी कहानियां हैं, एंड हियर आर ए फ्यू देम, और यहां पे उनमें से कुछ कहानियां दी गई हैं, कुछ कहानियां यहां पे हैं। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन जब
छोटे एडिसन स्कूल में थे, जब बच्चे थे, तो एक दिन जब वे स्कूल में थे, द टीचर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रेन ए स्टोरी अबाउट द बर्ड्स। जो टीचर था, जो अध्यापक था या जो अध्यापिका थी, वो बच्चों को चिड़िया के बारे में बता रही थी। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर। वो खड़े हो गए और उन्होंने टीचर से या अध्यापक से पूछा, मैडम व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड? मैडम, आदमी चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। अध्यापिका ने जवाब दिया, क्योंकि आदमी के पास चिड़िया जैसा पंख नहीं है। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन। उस छोटे लड़के ने एक क्षण सोचा और फिर पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। लेकिन पतंग के पास भी पंख नहीं होता, लेकिन हम उसे आसमान में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस। सभी दूसरे बच्चे हंस पड़े और अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया। सी थॉट, उन्होंने ने सोचा, द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल। उन्होंने सोचा कि लड़का मूर्ख है, शरारती है, और उन्होंने लड़के के पेरेंट्स को, माँ बाप को बुलाया और बच्चे को स्कूल से ले जाने के लिए कहा। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम। उसके माता पिता उसे घर ले गए, बट दे न्यू दैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय। लेकिन वे जानते थे कि लड़का मूर्ख नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 ईयर ओल्ड व्हेन दिस हैपेंड। एडिसन उस समय बस 8 साल के ही थे जब यह कुछ हुआ था। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। उस छोटे एडिसन को एक बेहतरीन अध्यापिका के रूप में उसकी माँ मिली हुई थी। उसकी माँ जो थी उसके लिए एक बेहतरीन अध्यापिका थी। सी वॉज पेशेंस इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन। उनके पास एडिसन के प्रश्नों के जवाब देने के लिए पर्याप्त धैर्य था। एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस। और उनकी सहायता और मार्गदर्शन में उसने अच्छा विकास किया। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट। वह चीजों को बहुत ही निकटता से अन्वेषण करता था, चीजों को बहुत निकटता से देखता था और बहुत से प्रयोग किया करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वेंट सिली। उसके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण साबित हुए, बट ही लर्न ए लॉट फ्रॉम देम। लेकिन उनसे भी वह बहुत कुछ सीखा। वन मॉर्निंग ही वॉच वॉचिंग ए बर्ड। एक सुबह वह एक चिड़िया को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड। यह उड़कर जमीन पे आई
picked up a few worms in its beak. अपनी चोंच में कुछ कीड़ों को पकड़ा and flew away और उड़ गई. This gave young Edison an idea. इस घटना ने एडिसन को एक विचार दिया. The bird is able to fly because it eats worms. चिड़िया उड़ सकती है क्योंकि यह कीड़ों को खाती है. Man can also fly if he eats worms. आदमी भी उड़ सकता है यदि वह कीड़ों को खाए तो. He said to himself, उसने स्वयं से कहा. He wanted to try the experiment on someone. वह चाहता है कि यह प्रयोग वह किसी पर करे. उसने अपने आप को कहा कि यह प्रयोग किसी पे करके देखना चाहिए. He caught hold of a few worms. उसने कुछ कीड़ों को पकड़ा. Beat them into a pulp. उनको गुदे के रूप में कुचला. And mixed it in a water. और इन सब को पानी में घोल दिया, मिला दिया. He took the mixture to a servant girl and said to her. उसने इस मिश्रण को एक नौकरानी को दिया, छोटी लड़की थी, और कहा, This is a wonderful mixture. यह बहुत ही चमत्कारी मिश्रण है. If you drink this, you can fly like a bird. यदि तुम इसको पीती हो, तो तुम चिड़िया की तरह उड़ सकती हो. Come on, drink it and see. आओ, पियो और देखो. The poor girl believed him and drank the mixture. बेचारी लड़की ने विश्वास कर लिया और उस घोल को, उस मिश्रण को पिया. Well, she did not fly, but she fell ill. पर वह उड़ तो नहीं सकी, लेकिन बीमार हो गई. Young Edison's mother warned him not to do such silly experiments. उस छोटे से एडिसन की माँ ने उसको चेतावनी दी कि इस तरह के बेवकूफाना प्रयोग या मूर्खतापूर्ण प्रयोग न किया करे. Once he went to a poultry farm with his mother. एक बार वह एक मुर्गी फार्म पर, जहाँ पे मुर्गी पालन किया जाता है, अपनी माँ के साथ गया. Then he saw a hen. तब वहाँ उसने एक मुर्गी को देखा. It was sitting on its egg. ये अपनी अंडों पे बैठी हुई थी. He asked his mother about it and she answered. उसने इस बारे में अपनी माँ से पूछा और उन्होंने जवाब दिया. The hen is hatching its egg. मुर्गी अपने अंडों को से रही है. हैच का मतलब होता है सेना. After some time, chicken will come out of the eggs. कुछ समय के बाद चूजे अंडे से बाहर निकल आएंगे. चिकन का अर्थ होता है चूजा. Why can't I hatch eggs? मैं अंडों को क्यों नहीं से सकता? Thought young Edison. उस छोटे एडिसन ने सोचा. The next morning he got a dozen eggs and sat on them. अगली सुबह उसने एक दर्जन अंडे लिए और उसके ऊपर बैठ गया. He got up after some time. कुछ समय बाद वह उठा. But he did not find any chicken. लेकिन उसे कोई चूजा नहीं मिला. He had only smashed the eggs. वह केवल अंडों को कुचल दिया था. Smashed का अर्थ होता है कुचलना. And spoiled his shirt. और अपनी कमीज को खराब कर लिया था. वैसे मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि उसने अपने पैंट को खराब किया होगा. He got a good beating from his mother that day. उस दिन उसे अपनी माँ से अच्छी खासी पिटाई मिली. मैंने उसकी माँ ने अच्छा खासा पिटाई किया उसका इस एक्सपेरिमेंट के लिए, इस प्रयोग के लिए. A really funny boy
वास्तव में एक अच्छा मजाकिया लड़का था, ये रियली फनी बॉय, एक अच्छा मजाकिया लड़का था, वो आज नाटी, क्या वो ऐसा नहीं था? ही फेल इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वो इन सभी प्रयोगों में असफल हो चुका था, बट ही हैड लर्न्ड समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन वह इनसे कुछ सीख भी चुका था। ही हैड लर्न्ड दैट हिज आइडिया वेयर रॉन्ग, वह सीखा कि उसके जो विचार थे वे गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, वह पुस्तकों का शौकीन था और बहुत सी पुस्तकें पढ़ा था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट फॉर एवरी बुक ही रीड, उसके पिता उसे 25 सेंट दिया करते थे प्रत्येक किताब को पढ़ने पर। ही रीड वाइडली विथ द पॉकेट मनी ही गॉट, उसे जो जेब खर्च मिलता था उससे वो बहुत ज्यादा पढ़ा। ही बॉट मोर बुक्स एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, उसने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी और एक छोटा सा प्रयोगशाला बनाया। हिज मदर इनकरेज हिम एंड हेल्प हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट, उसकी माँ ने उसे उत्साहित किया और उसके प्रयोगों में उसकी सहायता की। आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, कुछ समय के बाद एडिसन को लगा कि उसे ज्यादा पैसों की, ज्यादा धन की जरूरत है अपने प्रयोगों को करने के लिए। एंड ही वॉन्टेड मोर बुक्स एस ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, और वह और भी पुस्तकों को पढ़ना चाहता था क्योंकि घर में जितनी पुस्तकें थीं वह सब पढ़ चुका था। ही वॉन्टेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेस, वो बाहर जाना चाहता था और नए स्थानों को देखना चाहता था एंड न्यू पीपल, और नए लोगों से भी मिलना चाहता था। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, वह नई पुस्तकों को पढ़ना चाहता था और अपने ज्ञान को सुधारना चाहता था या अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे, और इसलिए उसने रेलवे में एक जॉब, एक नौकरी या एक काम करने के लिए सोचा, निर्णय लिया। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, शुरू शुरू में उसके माता पिता ने इस विचार को पसंद नहीं किया। एस ही वॉज जस्ट 12 ईयर ओल्ड, क्योंकि वह बस 12 साल का ही था, बट दे एग्रीड वेन ही गेव देम गुड रीजन्स फॉर हिज डिसीजन, लेकिन वे सभी सहमत हो गए जब उसने ऐसा करने के लिए एक अच्छा कारण बताया। सो एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय एंड ट्रेवल अप एंड डाउन द ट्रेन टू डिट्रॉय, और इस तरह से एडिसन एक अखबार वाला लड़का बन गया और डिट्रॉयट तक ट्रेन से अप डाउन करने लगा, आने जाने लगा। डिट्रॉयट एक शहर का नाम है, अमेरिका का एक शहर है। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, उसने अखबार बेचे, मिठाइयां बेची, फल बेचे और पहले दिन $2 कमाए। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, उस रात्रि के भोजन के समय उसने अपनी माँ से कहा, सपर का अर्थ होता है रात्रि भोजन, टेक दिस डॉलर मदर, इस डॉलर को लो माँ, एवरी नाइट आई सेल गिव यू ए डॉलर फ्रॉम व्हाट आई अर्न। आई सेल गिव यू ए डॉलर फ्रॉम व्हाट आई अर्न, मैं जो कमाऊंगा उसमें से $1 दूंगा प्रत्येक रात को।
एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपने वादे को पूरा किया। मतलब हर दिन वह कुछ कमाता था और उसमें से $1 अपनी माँ को देता था।